तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने का वो है मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड। अब क्या है मास्टर प्लान मेथड या जोनिंग मेथड, देख लेते हैं उसको। मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जब भी कोई नया सिटी बसाने के लिए स्टेप्स लिए जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले से एक प्लान्ड वे में एक्सपेंशन किया जाता है सिटी का। हर किसी को परमिशन नहीं होता है कि कहीं भी जाकर ज़मीन खरीद ले और घर बना ले या कोई दुकान खोल ले। तो बड़ा ही एक प्लान्ड वे में डेवलपमेंट होता है सिटीज़ का, कोई भी नेचुरल या हैफाजार्ड वे में एक्सपेंशन नहीं होता है, जिससे हमें पता होता है, एग्जैक्टली पता होता है कि कितना जगह ज़मीन हम लोकेट कर रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया के लिए, कितना ज़मीन हम एलोकेट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो इससे पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने का, जो हमारा एग्जैक्ट पॉपुलेशन फॉरकास्ट कर सकते हैं। और इस सिटीज़ का एक्सपेंशन जो है काफ़ी रेगुलेटेड होता है बाई वेरियस लॉज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन जो हम फॉरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, काफ़ी प्रिसाइज होता है, ठीक है। तो उसको मेंशन करते हैं। बिग एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज बिग एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर अलाउड टू बी इन प्लान वे आर अलाउड टू बी डेवलप्ड टू बी डेवलप्ड इन ए प्लान वे। प्लांट वे नॉट इन नेचुरल और हैफाजार्ड वे, ठीक है। नॉट इन नेचुरल और हैफाजार्ड वे, इसे क्या होता है, एक्सपेंशन कंट्रोल में होता है। द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज आर रेगुलेटेड बाई वेरियस लॉज, हेंस प्रिसाइज फॉरकास्टिंग एंड पॉपुलेशन कैन बी डन बाई दिस मेथड। पॉपुलेशन हम प्रिसाइज फॉरकास्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन का, कि हाँ इतने दिनों में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि उतना ही हम अलाउ ही करेंगे, जितना अलाउ करेंगे उतना ही बढ़ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो द एक्सपेंशन ऑफ सच सिटीज are regulated by various laws. Various laws. Hence, precise forecasting of population is can be estimated. Hence, precise forecasting of population can be done by this method. Can be done by this method. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिटी है, तो हमने अलाउ कर दिया है कि भाई इतना से इस एरिया में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल काम नहीं होगा, ये हमारा एरिया जो है रिजर्व लैंड हो गया, रिजर्व लैंड हो गया, ठीक है। ये भी हमारा रिजर्व लैंड हो गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ठीक। ये हमारा कोई कॉमर्शियल एरिया हो गया, और ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया हो गया, ठीक है। अब इस रेजिडेंशियल एरिया में अगर हम स्टार्टिंग में यू नो लोगों को बसाएंगे, तो पहले इतना 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 सारा ज़मीन देंगे, जब इतना फुलफिल हो जाएगा फिर इतना सारा देंगे,
जब ये फुलफिल हो जाएगा तब इतना देंगे। तो क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ हो रहा है एक प्लांट वे में हो रहा है, इससे क्या होता है पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने काफ़ी आसान हो जाता है और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही मेथड था, मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड। एक नेक्स्ट मेथड बचा हुआ है हमारा लॉजिस्टिक मेथड, जो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो भी बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिले आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।